दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो। मैं एक क्रेन ऑपरेटर हूँ, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर। स्टील प्लांट में क्रेन चलती है और मैं 4 साल, लगभग 14 साल चल रहा है, 4 साल से मैं सऊदी अरब में हूँ। इसके पहले मैं 4 साल मॉरिशस में था, क्योंकि मिनी इंडिया बोला जाता है, आप लोग जानते हो। मुझे लगभग बाहर विदेश में ये 8वां साल चल रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया। इंडिया में मैं 2006 से स्टील प्लांट काम कर रहा हूँ। अब बात करेंगे कि इंडिया में क्या फैसिलिटी मिलती है और यहाँ पर क्या फैसिलिटी। इंडिया में दोस्तों ठेकेदारी का समय चल रहा है, ठीक है? तो ठेकेदारी में आपको जो है महीने में कोई छुट्टी नहीं मिलती, जबकि बाहर देशों में आपको महीने में 4 छुट्टियां मिल जाती हैं, जिसमें आपको वो 4 छुट्टी में अगर एक दो ड्यूटी भी आप करते हैं मेंटेनेंस के टाइम में, तो आपका ओवर टाइम लग जाता है, जिससे आपके पॉकेट का खर्चा चल जाता है। बात करते हैं सैलरी की। तो इंडिया में सैलरी जो है अभी चल रहा है 8 घंटे का 20-21 रेट चल रहा है, कहीं कहीं 22 भी है। तो बाहर में जो विदेशों में रेट चल रहा है वो आपका 26 दिन का 40,000 प्लस 45, मतलब ज्यादा करके 45,000 प्लस चल रहा है। और देखिए, इंडिया में आपको रहने के लिए परफेक्ट रूम और ये नहीं मिलता है कंपनियों में, जबकि बाहर देशों में आपको रहने के लिए परफेक्ट रूम मिल जाएगा, एसी की सुविधा मिल जाएगी, लेटरिन बाथरूम आपको बढ़िया, इससे आपको दिक्कत महसूस नहीं होती। अब दूसरी बात ये है कि आने जाने के लिए आपकी बस की सुविधा मिल जाती है, जो कि यहाँ पे रूम जो है शहरों में मिलता है। और वहां पर इंडिया में क्या है कि वही स्टील प्लांट के बगल में भी रहता है, तो आप पैदल ही अपनी कंपनी में चले जाते हैं। अब ड्यूटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा ड्यूटी बाहर देशों में टाइट रहता है। इंडिया में क्या है, आप थोड़ा सा लापरवाही भी कर लेते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन बाहर देश में क्या, हर जगह आदमी फिक्स रहता है, तो यहाँ पर लापरवाही नहीं चलती है। आपके जो काम है, आपको परफेक्ट काम आपको देना है, इसमें आपको कोई लापरवाही नहीं चलेगी। इंडिया में जो बहुत सारे पुराने प्लांट है उनमें आपको खुला केबिन दिखाई देगा, लेकिन बाहर देशों में आप लगभग हर प्लांट में आपको क्रेन का जो केबिन है वो पैक मिलेगा फुल ग्लास से, और आपके क्रेन में एसी लगा हुआ मिलेगा, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा मेरे क्रेन में एसी लगा हुआ। ये हो गया सुविधा का। अब आपको बाहर देश की नौकरी कैसे मिलेगी? तो बाहर देश की नौकरी लगभग जो है 90%, मतलब 90% नौकरी जो है वो लिंक के द्वारा मिलती है, जिससे आपका कोई दोस्त काम कर रहा है या कोई मैनेजर का आपसे जान पहचान है, तो उसके थ्रू ही नौकरी मिलती है, जो कि आपके मुंबई ऑफिस है कुछ, उसके पास जाती है वो ऑफर लेटर, और वहां पर वो बंदा जो आने वाला है वहां जाता है, वहां से आपका वीजा स्टैंपिंग हो जाता है। अगर बीच में कोई एजेंट पकड़ लीजिए आप, तो एजेंट क्या है, वीजा स्टैंपिंग का जो फीस है आप इसका, वो लोग जितना लेते हैं उसका डेढ़ा करके एजेंट लेते हैं, मतलब वो लोग अपना सर्विस चार्ज 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक भी वो लोग जोड़ देते हैं, जिससे आपका खर्चा वो ज्यादा बढ़ जाता है। बाहर देश में आने के लिए आपको मेडिकल कराना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग क्या है कि एजेंटों के माध्यम के बीच में फंस जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं किस देश के लिए क्या मेडिकल जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि गल्फ कंट्री में अगर आप कहीं भी अपना वीजा लगा रहे हैं या काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको गमका का मेडिकल लगेगा, ना कि कोई और नॉर्मल मेडिकल करा के एजेंट आपसे 5,000 ले लेते हैं, 7,000 ले लेते हैं और मेडिकल के नाम पे लेते हैं और मेडिकल नॉर्मल करा लेते हैं। लेकिन आपको जानकारी रहना चाहिए कि गल्फ कंट्री में कहीं भी अगर आपको जॉब मिलेगी तो गमका का मेडिकल मिलेगा, जो कि ऑनलाइन आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका रिपोर्ट कैसा है, और जो कि रिपोर्ट जो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। बाहर देश में आपको लेबर के लिए जो भी है आपको ड्रेस मिल जाता है, शूज मिल जाता है, जो कि बढ़िया सेफ्टी वाला शूज मिलता है। तो अगर इंडिया में है तो इंडिया में ये सब कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है आपको, ये सब कुछ सुविधाएं हैं।